नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कम्युनिटी के इस खास इनिशिएटिव फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज में मैं हेमंत प्रधान आपका स्वागत करता हूं। आइए हम स्टार्ट करते हैं एनवायरनमेंट साइंस के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। लेट वी स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर वन। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम इज गिवन बाय, पहला है ऑप्शन टेलर, ई हटिंगटन, टेंसले और ओडम। क्या होगा इसका सही आंसर? यस, इसका सही आंसर है सी, ए जी टेंसले। दोस्तों आपको बता दूं, जो इकोसिस्टम होता है, इकोसिस्टम का जो कॉन्सेप्ट दिया था उन्होंने ए जी टेंसले ने दिया था। बट जब भी इकोलॉजी की बात आती है तो इकोलॉजी टर्म अगर आपको पूछा जाए तो अर्नेस्ट हेकल ने इकोलॉजी टर्म दिया था। फादर ऑफ इकोलॉजी जिनको कहते हैं वो है रीटर। बट फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी अगर आपको पूछा जाए तो वहाँ पे पी ओडम को टिक करेंगे। आई होप ये समझ पाए होंगे। तो राइट आंसर इज सी, ए जी टेंसले। ओके, कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। दूध और दही का सेवन करने वाला है ए उत्पादक या प्रोड्यूसर, बी प्राथमिक उपभोक्ता यानी प्राइमरी कंज्यूमर, सी सेकेंडरी कंज्यूमर या द्वितीयक उपभोक्ता, डी तृतीयक उपभोक्ता या टर्सरी कंज्यूमर। क्या होगा इसका सही आंसर? देखो ये कॉन्सेप्ट है, अगर आप फूड चेन पढ़े होंगे, खाद्य श्रृंखला पढ़े होंगे, वहीं से ये लिया गया है। तो उसमें क्या होता है कि एक जो होता है प्राइमरी कंज्यूमर होता है, एक प्रोड्यूसर होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, टर्सरी होता है या टॉप कंज्यूमर होता है। देखो इसको ऐसे इस टाइप से याद रखिएगा, जैसे ऑल ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर, सभी हरे पौधे क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। तो ग्रास को कौन खाए? मान लो काऊ या बफेलो। और इसके बाद क्या है, हम इससे क्या लेते हैं? मिल्क लेते हैं। तो यहां पे प्रोड्यूसर क्या है, उत्पादक क्या है? घास। घास को जो खाता है यानी उत्पादक को जो खाता है वो क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, यानी प्राथमिक उपभोक्ता। और प्राथमिक उपभोक्ता से जो हमको मिलता है वह क्या है, उसको जो खाता है या पीता है, जैसे यहाँ मिल्क का एग्जांपल है, तो हम प्राइमरी कंज्यूमर से वो प्रोडक्ट ले रहे हैं यानी पी रहे हैं उससे, तो इसलिए हम क्या होंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे। ओके, ये क्लियर हो गया होगा आपको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कम टू द थर्ड क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है, लार्जेस्ट इकोसिस्टम? लार्जेस्ट इकोसिस्टम क्या दिए? ओशन यानी समुद्र, घास का मैदान, वन और पर्वत। क्या होगा इसका सही आंसर? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। इसका एक्सप्लेनेशन कैसे होगा? ये प्रश्न बहुत ही आसान है अगर आप इसके लॉजिक लगाएंगे तो। पृथ्वी का 71% क्या है? जल है। और 29% क्या है? थल है। यानी 71% क्या है? वाटर पार्ट है। और 29% पार्ट क्या है? लैंड या थल है। ठीक है, तो बड़ा कौन सा हो गया? 71%। तो इसलिए इसका आंसर क्या है? ओशन या समुद्र। ओके, बाकी सभी चीज क्या है? छोटे हैं इससे। उसके बाद देखिए, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्री वातावरण में मुख्यतः प्राथमिक उत्पादक होते हैं, ये फिर से आ गया, प्राइमरी प्रोड्यूसर, ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, देखिए कुल मिला के ये प्रोड्यूसर की बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ऑल ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर, मैंने कहा था सभी हरे पौधे क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। तो इसमें देखिए क्या क्या ऑप्शन, पादप प्लवक यानी फाइटोप्लैंकटन, समुद्री जंतु यानी ओशन, ओशन में जो एनिमल्स मिलते हैं, उसके बाद देखिए समुद्री आवृत बीजी का मतलब ओशन एंजियोस्पर्म, उसके बाद जलीय ब्रायोफाइट्स मतलब एक्वेटिक ब्रायोफाइट्स, ठीक है। तो देखिए एंजियोस्पर्म और ब्रायोफाइट्स, तो ये क्या हैं? ये थोड़े कॉम्प्लेक्स टाइप के प्लांट्स होते हैं, आपको वो हायरार्की या पद अनुक्रम पता होगा, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है, बहुत आसान है, 10th की क्लास में पढ़े होंगे आप, ठीक है। तो इस प्रकार आप ये याद रख सकते हैं कि हम सिंप्लिसिटी से कॉम्प्लेक्सिटी की ओर बढ़े थे। तो यहाँ पर क्या होगा इसका, जो सबसे ज़्यादा सिंपल है वो क्या है आपका, फाइटोप्लैंकटॉन्स। फाइटोप्लैंकटॉन जो है वो डीप ओशन में मिलेगा, उसे क्या कौन खाता है? जू प्लैंकटॉन यानी जंतु प्लावक खाते हैं। उसे फिर जंतु प्लैंकटॉन या जो जंतु प्लावक कौन खाएगा? छोटी मछलियाँ, छोटी मछली को बड़ी मछली, और बड़ी मछली को उससे बड़ी मछली खा सकती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? फाइटोप्लैंकटॉन यानी पादप प्लावक, ठीक है। उसके बाद कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारितंत्र है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है? देखो, धान के खेत, घास का मैदान, झील यानी लेक, वन यानी फॉरेस्ट। तो क्या है इसका सही आंसर? आर्टिफिशियल हम क्या होता है, जैसे हम लोग खेती करते हैं या एग्रीकल्चर लैंड जो है वो बनाते भी हैं, खासकर पेड़ों को काट के, या स्टार्टिंग से हम तो काटते गए और फाइनली वो हम खेत बनाते गए। तो इसका सही आंसर क्या है? धान के खेत, ये इसका सही आंसर है, जो आपका कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। दोस्तों, ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चन हम जल्दबाजी में गलत करते हैं, ठीक है? तो ध्यान से देखिएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण संकट या शत्रु है, यानी एनवायरमेंट का इनेमी कौन है, ये पूछा गया है। तो इसमें देखिए, बबुल, अमलतास, नीम और यूकेलिप्टस, ठीक है? ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, स्टेट में तो नहीं, दूसरे स्टेट के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस एक ऐसा पौधा है जिसमें जल ग्रहण क्षमता यानी कि वाटर एब्जॉर्प्शन पावर काफ़ी ज़्यादा होती है, और वो जिस एरिया में यूकेलिप्टस मिलता है उस एरिया का जो वाटर लेवल है वो काफ़ी नीचे चला जाता है। इसलिए क्या है, उसके आसपास क्या है, दूसरे ऐसे प्लांट्स आसानी से ग्रो नहीं कर पाते। दैट्स वाई ये पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है। मोस्टली ये ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी ज़्यादा मिलता है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइकेन एक नग्न चट्टान पर पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनकी सहजीवी सहचर है? ये क्या पूछा है? लाइकेन इज द एग्जाम्पल ऑफ म्यूटलिज्म, ठीक है? तो किसका किसका म्यूटलिज्म है, किसका किसका म्यूचुअल है पूछा गया है। सैवाल और जीवाणु यानी एल्गी एंड बैक्टीरिया, बी सैवाल और कवक यानी एल्गी और फंजाई या फंगी, सी बैक्टीरिया और कवक, ठीक है? उसके बाद देखिए, कवक एंड मॉस यानी फंजाई और मॉस, क्या है इसका सही आंसर? काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या है? इट इज़ द म्यूटलिज्म एग्जाम्पल। लाइकेन जो है क्या है, सहजीविता का उदाहरण है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो एग्जाम्पल, इसका जो सही आंसर है बी सवाल और कवक, ठीक है? देखिए कैसे, एल्गी और फंजाई या फंगी, देखो क्या होता है कि जो एल्गी होते हैं क्या होते हैं, वो ग्रीन होते हैं, मोस्टली ग्रीन होते हैं। तो वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा तो फूड बनाएगा, और उस फूड को कौन खाएगा, उस फूड को क्या खाएगा, वो क्या है, कवक खाएगा। यानी कि वहाँ पे दोनों का सिम्बायोटिक, दोनों से मिल के क्या होता है, लाइकेन बनता है, जिसमें एल्गी क्या करता है, भोजन बनाता है, और कवक यानी फंजाई क्या करता है, उनको प्रोटेक्शन या सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है? तो लाइकेन इज द एग्जाम्पल ऑफ म्यूटलिज्म, ये भी इंपॉर्टेंट है, खासकर इसका किसका किसका संयोजन है पूछा जाता है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवभार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा हो जाता है, यानी बायोमास पिरामिड किस में उल्टा होता है पूछा है, किस इकोसिस्टम में? ऑप्शंस आर वन स्थल यानी फॉरेस्ट इकोसिस्टम, तालाब यानी पौंड इकोसिस्टम, घास ग्रासलैंड इकोसिस्टम, और शुष्क स्थल ड्राई लैंड, ठीक है? क्या है इसका सही आंसर? काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और सरल प्रश्न भी है। देखिए, तो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक जो कॉन्सेप्ट है वो बता रहा हूँ। दैट इज़ देयर आर थ्री काइंड ऑफ पिरामिड, तीन प्रकार के पिरामिड होते हैं फूड चेन में, खाद्य श्रृंखला में, जो इकोसिस्टम के अंतर्गत पड़ते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक होता है संख्या का पिरामिड है, नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर्स, दूसरा होता है बायोमास का पिरामिड यानी जैव भार का पिरामिड, और तीसरा होता है ऊर्जा का पिरामिड यानी कि एनर्जी पिरामिड। इसमें खास ध्यान रखने वाली बात क्या है, जब भी आपको एनर्जी का पिरामिड पूछा जाए या ऊर्जा का पिरामिड पूछा जाए, आप आँख मूंद के क्या करेंगे, वो हमेशा सीधा बनता है, याद रखिएगा, ऑलवेज वो क्या होता है, सीधा बनता है। इसे कैसे समझेंगे, आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पिरामिड का आकार कैसे होता है, ये, ठीक है? और अगर उल्टा पिरामिड में अगर बोलूँ तो, उल्टा पिरामिड अगर मैं बोलूँ तो क्या बनेगा, लाइक दिस, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, देखो, संख्या के पिरामिड में मान लो यहाँ है, यहाँ पे क्या होता है, प्रोड्यूसर, यहाँ प्राइमरी कंज्यूमर, यहाँ सेकेंडरी कंज्यूमर, और यहाँ टर्सरी कंज्यूमर या टॉप कंज्यूमर, ठीक है? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। अगर संख्या का पूछा जाए, मान लो यहाँ पे नंबर्स कितने हैं, 100 है, यहाँ पे क्या है, 10 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0.1 है,
तो नंबर्स कम हो रहा है इसलिए श्रिंक होते जा रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया। यहां पे क्या हो रहा है, ये श्रिंक होते जा रहा है। अब यहां पे देखिएगा कि एग्जांपल जो हमारे पास जो आया हुआ है बायोमास का पिरामिड, तो बायोमास का पिरामिड क्या होता है, देखिए कि बायोमास मतलब होता क्या है, देखिए प्रति किसी भी इकोसिस्टम में प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, पर यूनिट एरिया पर जो लिविंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, जीवित कार्बनिक पदार्थ हैं, उनके भार को हम क्या कहते हैं, बायोमास कहते हैं। आई रिपीट, प्रति किसी इकोसिस्टम में प्रति इकाई क्षेत्रफल पर उपस्थित जीवित कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को क्या कहते हैं, जैव भार या बायोमास कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बायोमास दिया हुआ है क्या, किसका किसका, वन स्थल, तालाब, घास स्थल और शुष्क स्थल। तो देखिएगा कि जो लैंड प्रति इकाई क्षेत्रफल वाली बात आ गई, तो उसमें क्या है, अगर आप देखेंगे तालाब का, तो तालाब में क्या होता है, छोटे जीव होते हैं, जैसे फिर से एग्जांपल वही वाला लेते हैं कि उसमें फाइटोप्लैंक्टन है, पादप प्लवक है, उसको कौन खाता है, जूप्लैंक्टन खाता है, उसको कौन खाता है, छोटी मछली खाती है, उसे कौन खाता है, बड़ी मछली खाती है। तो आप देखेंगे एक छोटा सा नग्न सा फाइटोप्लैंक्टन की तुलना में एक बड़ी मछली क्या है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर उसका बायोमास ज़्यादा होता है। तो इसलिए क्या है आपका, यहाँ पे आप क्या रखें, पादप प्लवक, जंतु प्लवक यानी फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, छोटी मछली और बड़ी मछली। तो एक बड़ी मछली का बायोमास ज़्यादा होगा ही, ऑर्गेनिक सब्सटेंस ज़्यादा होगा ही एज़ कम्पेयर टू एक छोटा सा फाइटोप्लैंक्टन। इसलिए एक्वेटिक यानी जली इकोसिस्टम में जो बायोमास का पिरामिड है वो उल्टा बनता है, ठीक है। अब ये समझ गए, क्लियर, ठीक है। अब आपको ये चीज़ें काफ़ी आसानी से समझ आ गई होगी। वैसे अगर आप देखें तो पिरामिड जो होता है, ऊर्जा का पिरामिड है वो सीधा होता है, और मैंने बता दिया संख्या का पिरामिड वो भी उल्टा या सीधा हो सकता है, बायोमास का पिरामिड भी उल्टा या सीधा हो सकता है, ठीक है। आई होप ये समझ पाए होंगे, अगर नहीं समझ पाए होंगे तो एक और एग्जाम्पल मैं दे के बता रहा हूँ कि जैसे आप, ये किसका एग्जाम्पल था, ये एक्वेटिक बायोमास का पिरामिड का एग्जाम्पल था, ठीक है। अब मैं कोई एक लैंड इकोसिस्टम के पिरामिड का जो है एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे कि मैं किसी ट्री का बता रहा हूँ, ठीक है। तो ट्री वाले में क्या होता है, ट्री वाले में क्या होता है, देखिए कि ये पार्ट है, तो ट्री में क्या होता है, एक बड़ा वृक्ष होगा, एक बड़ा वृक्ष होगा, उसमें क्या है, छोटे छोटे पक्षियां बैठेंगी, ओके। उसको ये पक्षियां जब गिर जाती हैं, इसको कौन खाएगा, परजीवी खाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि एक वृक्ष का बायोमास ज़्यादा होता है, उसके कंपेयर में एक पक्षी का कम होगा, उसके कंपेयर में परजीवी या पैरासाइट का काफ़ी कम होगा, ये समझ गए। इसलिए क्या है, इसका इकोसिस्टम यहाँ पे भी श्रिंक होते जा रहा है, बायोमास कम होते जा रहा है, यहाँ पे बायोमास ज़्यादा होते जा रहा था, ठीक है, ये समझ गए। अब यहाँ पे आप ये चीज़ें अगर समझ गए हैं तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज प्रवाल भित्ति क्षेत्र हैं, कोरल रीफ रीजन्स आर, फर्स्ट अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ मन्नार, कच्छ की खाड़ी और सुंदरवन, चार दिए हुए हैं आपको ऑप्शन में। इसमें आपको देखना है कि कौन कौन से एरिया, कौन कोरल रीफ एरिया हैं। कोरल रीफ का मतलब एक ऐसा जो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बना होता है, और वो काफ़ी एक जैव विविधता के दृष्टि से, बायोडायवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी डेंस एरिया होता है, काफ़ी समृद्ध एरिया होता है, इसलिए उसके संरक्षण की आवश्यकता हमको पड़ती है। तो कोरल रीफ एरिया जो भारत के आसपास हैं, दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, विगत वर्षों के पीएससी में इसके क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो देखते हैं हमारे पास जो कोरल रीफ की लिस्ट क्या है। सबसे पहले लिस्ट अगर देखें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बिल्कुल है इसका सही आंसर, है ना, मन्नार की खाड़ी में भी है कोरल रीफ एरिया, और सुंदरवन तो बेसिकली फेमस फॉर मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव वन के लिए वो फेमस है, वहाँ पे कोरल रीफ नहीं मिलता। कोरल रीफ का एक चौथा जोन है जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है लक्षद्वीप। तो इस प्रकार क्या है हमारे पास, कोरल रीफ की लिस्ट बन गई हमारे पास, क्या क्या है, अंडमान निकोबार, उसके बाद क्या है मन्नार की खाड़ी, ठीक है, कच्छ की खाड़ी, और हमारे पास चौथा क्या बन गया, वो है लक्षद्वीप। इस प्रकार ये चारों सम्मिलित हैं। तो इसमें कौन कौन सा, सुंदरबन को एलिमिनेट कर दीजिए, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर,
1, 2, 3 क्या है? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, मतलब बायोडायवर्सिटी कहाँ ज़्यादा हाई मिलती है? ऑप्शन आर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, शीतोष्णकटिबंधीय वन यानी टेम्परेट फॉरेस्ट, शंकुधारी वन यानी कोनीफरस फॉरेस्ट, और ध्रुव क्षेत्र में यानी पोलर रीजन पे पाए जाने वाले फॉरेस्ट. ठीक है, इस प्रकार ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं. देखो दोस्तों, ये आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा, एक्चुअल में ये क्वेश्चन है बायोम का. ठीक है, तो बायोम के बारे में आपको पता होगा कि जैसे ये अर्थ है, अर्थ के ठीक बीचों बीच क्या है, इक्वेटर है. ये क्या है, 0 डिग्री है. इसके 10 डिग्री आप ऊपर नॉर्थ की ओर चले जाएँ और 10 डिग्री आप क्या है, साउथ की ओर चला जाए. ये क्या है, नॉर्थ पोल, और ये क्या है, साउथ पोल. ठीक है, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव. ठीक, ये जो 10 डिग्री के आसपास वाला ये क्षेत्र, यहाँ पे क्या होती है, भूमध्य रेखा या इक्वेटर इसे कहते हैं. यहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है. सनलाइट डायरेक्ट पड़ने के कारण क्या है, यहाँ पे जो जलवायु होती है, जो क्लाइमेट होता है, हॉट होता है एज़ कम्पेयर टू अदर रीजन. सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसके कारण गर्म जलवायु मिलती है, और उसके कारण फ़ायदा क्या होता है, जो फॉरेस्ट होता है वो ज़्यादा अच्छे से वहाँ पे फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाता है, जिसके कारण वहाँ के जो पेड़ होते हैं या ट्रीज होते हैं या ओवरऑल जितने भी वहाँ पे फौना और फ्लोरा होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिच होते हैं, यानी ज़्यादा समृद्ध होते हैं. कहना चाहिए इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, आपको सनलाइट प्रॉपर आनी चाहिए, वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं. तो ये सब चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होती हैं, क्योंकि भूमध्य रेखा पे जो है सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, आसानी से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो पाता है, और उसके कारण क्या होता है, जो किसी पर्टिकुलर प्लांट को जो फूड बनाना चाहिए होता है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बना पाता है, इसलिए ज़्यादा वो बड़े हाइट वाले होते हैं, इसके लीफ भी काफ़ी बड़े होते हैं. और एक काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट बता दूँ, अमेजन फॉरेस्ट क्या है, वो कौन से कहाँ पर है, बेसिकली ब्राज़ील के नॉर्दर्न पार्ट में है. ठीक है, यानी कि ब्राज़ील के उत्तरी भाग में है, और इस क्षेत्र में क्या है, ये इक्वेटर के पास वाला क्षेत्र है. तो ये क्षेत्र में क्या अमेजन फॉरेस्ट मिलता है, और अमेजन फॉरेस्ट को क्या कहते हैं, लंग्स ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी का फेफड़ा. क्यों कहते हैं, क्योंकि अमेजन फॉरेस्ट क्या है, काफ़ी समृद्ध घने फॉरेस्ट होते हैं, और ये कार्बन एब्जॉर्बर होते हैं, कार्बन अवशोषक होते हैं. तो जिस प्रकार कार्बन अवशोषक मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का वो क्या करते हैं, जो है पूरा जो है अंदर ले लेते हैं, और ऑक्सीजन क्या होते हैं, एमिट करते हैं, ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, समझ रहे हैं. तो लंग्स का भी वही काम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वो क्या होता है, प्यूरीफाई करके फिर ऑक्सीजन रिलीज करता है. कहना चाहिए कुल मिला के दोनों का काम क्या है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना होता है, सिंपल सी बात. तो यहाँ पर ये याद रखिएगा, लंग्स ऑफ अर्थ, तो ये क्या भी है, भूमध्य रेखा के पास मिलती है. इसके अलावा आपको पता है अराउंड 34-35 क्या हॉट स्पॉट हैं, जो बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डेंस एरिया है, उनमें जो हॉटेस्ट हॉट स्पॉट हैं जिनकी संख्या 8 है, तो वो क्या है, हॉटेस्ट हॉट स्पॉट भी मेजरली क्या है, मोस्टली वो कहाँ मिलते हैं, इक्वेटर के पास मिलते हैं. ये समझ गए, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन ए होगा, यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ठीक है, उसके बाद देखिए टेम्परेट इसलिए नहीं होगा, वहाँ टेम्परेचर रिलेटिवली कम होता है, कोनीफेरस में भी कम होता है, पोलर रीजन में तो कम होता ही है, वहाँ तो ट्री ही नहीं मिलते, छोटे छोटे झाड़ियाँ या छोटे छोटे हर्ब्स या श्रब मिलते हैं. ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, कहाँ कहाँ पाई जाती है, क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए हमने इसे लिया है. साइलेंट वैली, उसके बाद देखिए कश्मीर वैली, सूरमा वैली और वैली ऑफ फ्लावर. ठीक है, ये चार आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें क्या होगा इसका सही आंसर. अगर आपने पढ़ा होगा बायोडायवर्सिटी, ठीक है, तो बायोडायवर्सिटी में भारत में 4 हॉट स्पॉट हैं, यानी कि डेंस बायोडायवर्सिटी एरिया. तो इस एरिया में देखते हैं अगर, तो भारत में 4 जो हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं वो क्षेत्र कौन कौन से हैं, वेस्टर्न घाट, हिमालयन रीजन, इंडो बर्मा क्षेत्र यानी इंडो बर्मा रीजन, और सुंडालैंड यानी अंडमान और इसके नीचे वाला क्षेत्र. ठीक है, तो ये क्या है, 4 महत्वपूर्ण बायोडायवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हॉट स्पॉट हैं. तो इसमें देखिए वो चारों में कौन सा आ रहा है,
साइलेंट वैली बेसिकली केरला में है, केरला में है मतलब इट इज़ द पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, ठीक है, नीलगिरी हिल्स वाला एरिया है ये, और ये एरिया एक्चुअल में बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डेंस एरिया है, इसलिए साइलेंट वैली को काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे समृद्ध फौना फ्लोरा हैं, जीव जंतु और पादप हैं। क्लियर हो गया। कश्मीर वैली हम ले सकते थे, लेकिन कश्मीर वैली का जो है कह सकते हैं कि जो वेस्टर्न हिमालय की तुलना में ईस्टर्न हिमालय ज़्यादा जो है बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसलिए कश्मीर वैली में जो है जिस एल्टीट्यूड में वो पाया जाता है उसमें उतना जो हॉट स्पॉट जोन है वो डेवलप नहीं है, ठीक है, यानी जिसको हम हॉट स्पॉट कहते हैं वो क्षेत्र कश्मीर वैली बिल्कुल नहीं है। सुरमा वैली कहाँ पे है? असम, ठीक है, असम और कुछ पार्ट बांग्लादेश में भी मिलता है, तो असम भी नहीं है इसका आंसर। वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड, ये भी इसका आंसर नहीं है, तो कुल मिलाकर आंसर क्या है? साइलेंट वैली है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोडाइवर्सिटी में परिवर्तन होता है, ठीक है, उसमें क्या है? पहला, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है यानी इक्वेटर की ओर बढ़ती है, भूमध्य रेखा की तरफ घटती है यानी इक्वेटर की ओर घटती है, डिक्रीज होती है, और पृथ्वी पर एक समान होती है, रिमेन अनचेंज बोल रहा है, और पोल्स की ओर जाने पर यह इंक्रीज होती है, ये पूछा गया है। क्या होगा इसका सही आंसर? हमने ये देख लिया, इसी में क्लियर हो गया कि पोल रीजन से अगर आप यहाँ जाते हैं, इधर से ऐसा जाते हैं, तो यहाँ बायोडाइवर्सिटी कम, यहाँ कम, और जैसे ही आप किसकी ओर चलते हैं, आप इक्वेटर की ओर चलते हैं, तो यहाँ पे क्या है, सनलाइट सीधी पड़ने के कारण यहाँ पे ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलती है। इस प्रकार द करेक्ट आंसर इज वन, यानी कि ए, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जैव विविधता के हॉट स्पॉट हैं, फिर से ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हमने लिया इसे। देखिए क्या ऑप्शंस हैं, पश्चिमी हिमालय यानी वेस्टर्न हिमालयन ईस्टर्न घाट, दूसरा है वेस्टर्न हिमालयन एंड सुंदरबन, तीसरा है ईस्टर्न हिमालय एंड पश्चिमी घाट वेस्टर्न घाट, और उसके बाद देखिए आप जो दिया हुआ है दैट इज़ ईस्टर्न हिमालय एंड पेनिनसुलर जोन यानी कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र, ठीक है, इसमें आपको फिर से वही हॉट स्पॉट को पहचान लेना है और आंसर आसानी से कर सकते हैं। तो चारों हॉट स्पॉट में क्या क्या है, जो पूर्वी हिमालय पार्ट है वो भी है, ठीक है, और वेस्टर्न घाट है, इस प्रकार सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि आप देखते हैं ईस्टर्न घाट बिल्कुल शामिल नहीं है ऑप्शन ए में, सुंदरबन तो मैंग्रोव के लिए फॉर्म फेमस है तो वो भी नहीं है, और उसके बाद पेनिनसुलर रीजन तो वह भी नहीं है, इस प्रकार सी इज़ द राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सलीम अली पक्षी विहार कहाँ स्थित है, सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, ऑप्शन आर मैसूर कर्नाटका, भरतपुर राजस्थान, वेम्बनाड केरल, चुराव गोवा, क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है चुराव गोवा, ठीक है। देखिए दोस्तों, हम जैसे बात करते हैं कि साइलेंट वैली मूवमेंट जो चला था, साइलेंट वैली आंदोलन जो एनवायरनमेंट मूवमेंट चला था, उसमें ऑब्वियसली क्या है, डॉक्टर सलीम अली का जो है महत्वपूर्ण योगदान था, और केरल के स्थानीय निवासी भी, बट यहाँ पे जो पूछा है बर्ड सेंचुरी पूछा है, तो बर्ड सेंचुरी को आप बिल्कुल केरल की ओर मत लेके जाइएगा, आप इसका आंसर देखिएगा। हाँ ऑब्वियसली वहाँ बर्ड सेंचुरी ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे इसका आंसर कुछ और है। देखिए सलीम अली पक्षी विहार बर्ड सेंचुरी का करेक्ट आंसर देखिए, आप ऑप्शन को देखते जाइए, मैसूर कर्नाटक में क्या है, रंगन थेट्टू जो है बर्ड सेंचुरी है, रंगन थेट्टू, भरतपुर राजस्थान में क्या है, घाना पक्षी विहार, घाना बर्ड सेंचुरी है, केरल वेम्बनाड जो है बर्ड सेंचुरी है वहाँ पे, और द चोराओ गोवा यहाँ पे एक्चुअली सलीम अली पक्षी विहार यानी सलीम अली बर्ड सेंचुरी है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है कई बार इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसलिए हमने शामिल किया है। उसके बाद ये भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या कितनी है, 102, 103, 104 और 105, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, किताबों में आपको दिखेगा 103 नेशनल पार्क, लेकिन याद कर लीजिए, अपडेट कर लीजिए, नंबर ऑफ नेशनल पार्क इन इंडिया आर नाउ 104, 104 नेशनल पार्क हो चुके हैं। लेटेस्ट जो नेशनल पार्क है वो कौन है, मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क। उसके बाद ये सबसे नवीनतम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, बायोस्फीयर रिजर्व काफ़ी जो है प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं, काफ़ी संरक्षित क्षेत्र होते हैं,
तो क्या क्या है ऑप्शन, नीलगिरी, सुंदरबन, अगस्त्यमाला और पन्ना। ठीक है, क्या क्या ऑप्शन है आपको देखिए, सबसे लेटेस्ट अगर पूछा जाए, सबसे लेटेस्ट इसका अगर पूछा जाए, आपको बता दूं तो सबसे लेटेस्ट जो बायोस्फेरिजर है वो है पन्ना मध्य प्रदेश का। लेकिन अगर आपको अगस्त्यमाला दिख रहा होगा, ध्यान रखिएगा कि आउट ऑफ 18 बायोस्फीयर रिजर्व, 18 बायोस्फीयर रिजर्व में 10 जो है क्या है वो यूनेस्को के लिस्ट में भी शामिल है। तो यूनेस्को के लिस्ट में जो लेटेस्ट एडिशन हुआ है, जो सबसे लास्ट में जो ऐड हुआ है वो कौन है, वो अगस्त्यमाला है, जो ठीक है वर्ष 2016 में ऐड हुआ है। किसको, यूनेस्को के लिस्ट में, समझ रहे हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं बट जो यूनेस्को की जो लिस्ट होती है बायोस्फीयर रिजर्व की, उसमें क्या है 11वें नंबर पे जो लेटेस्ट ऐड हुआ है वो कौन है, अगस्त्यमाला। बट ओवरऑल जो लेटेस्ट है कहा जाए तो वो क्या है, पन्ना मध्य प्रदेश का। उसके बाद देखिए, अच्छा नीलगिरी तो आपको पता ही होगा सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है 1986 में बना था। ठीक है, उसके बाद देखिए सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ठीक है, द ऑप्शंस आर ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैं इसका आंसर बता चुका हूँ, बी कूनो नेशनल पार्क इज द लेटेस्ट जो है नेशनल पार्क है, जो क्या है मध्य प्रदेश के श्योपुर और मुरैना जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंतर्गत आता है। और कूनो नेशनल पार्क को 1981 में क्या है, सेंचुरी का दर्जा दिया गया था, अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था, जो वर्ष 2018 में इसे हमारा 104 नंबर का नेशनल पार्क कंसीडर कर लिया गया। तो इस प्रकार याद रखिएगा ऑप्शंस, बाकी तो देख भी लीजिए कहाँ कहाँ स्थित है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहाँ पे है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल पे है। ठीक है, उसके बाद देखिए जिम कार्बेट कहाँ है, उत्तराखंड है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, जिम कार्बेट है ना हमारा पहला नेशनल पार्क। उसके बाद देखिए मानस नेशनल पार्क कहाँ पे है, आसाम पे है। ठीक है, तो इस प्रकार बी इज़ द राइट आंसर, कूनो नेशनल पार्क। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में कौन सा अत्यधिक संकटापन या अत्यधिक संकटग्रस्त क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, जो चर्चित है। ठीक है, ओरियोल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इंडियन पीजन और इंडियन सनबर्ड। दोस्तों अगर आपने करंट अफेयर्स जो पढ़ा होगा इस साल का, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड न्यूज़ में रहा था, आपको बता दूं कि यह अत्यधिक संकटग्रस्त स्थिति में है, यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है इसे कहा जाता है। और यह एक समय क्या था, भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी मोर है वह राष्ट्रीय पक्षी बना उस दौड़ में सबसे आगे था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, काफ़ी सुंदर पक्षी है, उड़ने वाले जो हैवी पक्षी हैं उनमें से एक है, काफ़ी हैवी है ये भी और उनमें से एक पक्षी ये है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी ऑलमोस्ट क्या था, फाइनल कर लिया गया था कि वो भारत का राष्ट्रीय पक्षी बनेगा। अब वो क्या है, केवल क्या है जो भारतीय उपमहाद्वीप में ही खासकर ये मिलता है, इसलिए इसकी पहचान एक इस पर्टिकुलर क्षेत्र में मिलता है, इसलिए वो काफ़ी फेमस हो गया था। और दूसरा, इसे शामिल ना करने के पीछे कई बार तर्क देते हैं, जो बस्टर्ड वर्ड आ रहा है कहीं ना कहीं एक नेगेटिव सेंस में जा रहा है, इसलिए इसे शामिल ना करने के पीछे भी एक ये कारण बताते हैं। तो एनीवेज जो न्यूज़ में रहा था, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को आप याद रखिएगा, संभावित रूप से यह क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और हाल ही में इससे क्या है, कुछ जो है नए टाइप के जो हैं और चूजे मिल चुके हैं, जिसके कारण क्या है जो हमारी जो वाइल्ड लाइफ जो सोसाइटी है वो काफ़ी ज़्यादा खुश है कि हम इसका जो है बाकी जो है और वैरायटी या उनकी जो है उनका जो पीढ़ी है वो हम बना चुके हैं, ला चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रकार याद रखिएगा, बाकी इंडियन पीजन, इंडियन सनबर्ड, ओरियोल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हॉटेस्ट हॉट स्पॉट से बाहर है। ठीक है, देयर आर 8 हॉटेस्ट हॉट स्पॉट, 8 हॉटेस्ट हॉट स्पॉट में भारत के 4 में से 3 शामिल हैं, 1 शामिल नहीं है, ये पूछा गया है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है इसका सही आंसर, सुंडालैंड, हिमालयन रीजन, इंडो बर्मा क्षेत्र और वेस्टर्न घाट। क्या है इसका सही आंसर, देखिए वेस्टर्न घाट इज़ द फेमस फॉर ह्यूज बायोडाइवर्सिटी, इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल किया गया है, ये हॉटेस्ट हॉटस्पॉट तो है ही। इंडो बर्मा क्षेत्र कहीं ना कहीं वेस्टर्न हिमालयन क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, और हिमालयन क्षेत्र जो है केवल दिया गया है, बट सुंडालैंड वहाँ दिया है जब, तो सुंडालैंड, इंडो बर्मा क्षेत्र और वेस्टर्न घाट, ये तीनों हॉटेस्ट हॉटस्पॉट में कंसीडर होते हैं, जो विश्व के 8
हॉटेस्ट हॉटस्पॉट में शामिल होते हैं, इसमें हिमालयन क्षेत्र शामिल नहीं है। कहने का मतलब ये चारों हॉटस्पॉट हैं लेकिन उनमें हॉट में भी हॉटेस्ट जो हैं वो हिमालय क्षेत्र को छोड़ के बाकी तीन हैं। क्लियर हो गया? तो आई होप ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको आपने केयरफुली देखा होगा और इनके आंसर आपको पता चल गए होंगे। किसी प्रकार का कोई डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में हमें बताइए और डेफिनेटली हम उस आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों जो लिए गए क्वेश्चंस हैं कोई भी क्वेश्चन जो है सिलेबस के बाहर का नहीं है, एक कॉमन ट्रेंड के आधार पर अनुभव के आधार पर बनाया गया वो प्रश्न है जो एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, तो आप जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के कलेक्शन होते हैं उसे केयरफुली वॉच करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।